कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद चैतन्ना प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्ना श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त जय राधा माधव जय कुज बिहारी जय राधा माधव जय कुज बिहारी जय राधा माधव जय कुज बिहारी जय राधा माधव जय गिरिवर नारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर नारी जय गोपी जन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदनंदन जय यशोद जीवन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन तिरवन तारी जय कुंज बिहारी जय जामुन जय कुंज Thank you.
जन सदा चक्षुरुन्मीलं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाच्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभयवचः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरवतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्गते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निधाधर गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 राम राम बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे बोल श्री गिरिराज महाराज की जय बोल श्री गिरिराज गोवर्धन की जय हरे कृष्ण हरे बोल सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण बल श्री गिरिराज महाराज की जय बल श्री गिरिराज गोवर्धन की जय जय गौर ब्रह्मानंदे हरे कृष्ण। हम लोग बहुत बहुत भाग्यवान हैं, यद्यपि आज का दिन बहुत बहुत शुभ दिन है, केवल भारत नहीं संपूर्ण पृथ्वी में सबके सब आज ये गिरिराज अन्नकूट महोत्सव संपूर्ण पृथ्वी में लोग मनाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी में मनाते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सौभाग्य मिला है ये सौभाग्य सबको नहीं मिलेगा। कोई बम्बे में भी मनाते होंगे, कोई मद्रास में भी मनाते होंगे, कोई कलकत्ता में भी, कोई उड़ीसा में भी, कोई बिहार में भी, महाराष्ट्र में, भारत में और अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस, जर्मनी, हाँ, रसिया, सब जगह में आज बन रहा है, सारा दुनिया में जितने भक्त लोग मनाते होंगे। लेकिन गिरिराज की तलहट में रहते हुए साक्षात गिरिराज को सामने अपना हाथों से ठाकुर जी को अभिषेक करते हुए डायरेक्ट ठाकुर जी को दर्शन करते हुए हैं, फिर वैष्णव से हरी कथा सुनते हुए कीर्तन सुनते हुए, लेकिन ये सौभाग्य सबको नहीं मिला होगा। लेकिन ये सौभाग्य आज हम लोग को मिला है, इसलिए अब लोग आज भी कुछ ना कुछ ठाकुर जी के लिए कोई डायरेक्ट कोई माता जी मालपुआ बना रही थी, इसलिए कोई अपना हाथों से कोई फल कोई मिठाई है ले करके अपना सर पर रख करके और कीर्तन करते 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 हैं। और इतने सारे हैं दुनिया में कोई मनाते होंगे, कोई 10 तरह का, कोई 20 तरह का, कोई 50 तरह का, कोई 100 तरह का। लेकिन आज आप लोगों को देखा होंगे जितने भक्त थे सबका हाथ में एक टोकर था, इसलिए कितना करके 1000 का होगा, 1000 तरह का प्रिपरेशन जो था और गिरिराज को साक्षात रूप में अभिषेक करते हुए भोग लगाना, ये और कहीं कभी ये कहीं और नहीं होता होगा।
लेकिन जो सौभाग्य आज हम मिला ना, ये सौभाग्य किसी को मिला नहीं, इसलिए समझो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। इसलिए आप लोगों ने गिरिराज की बहुत बहुत कथा सुनी। कहते आज का दिन ही कृष्ण जब मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ इमरती तरह तरह का सामान मैया जसोदा बना रही थी। अभी कृष्ण ने जब देखा मैया जसोदा ये रात भर तरह तरह का प्रिपरेशन को बना रही है, अभी कृष्ण का उम्र हो गया 7 साल 2 महीना की हो गया है। कृष्ण का उम्र 7 साल 2 महीना हो गया। हर साल ये इंद्र पूजा होता है, हर साल इंद्र पूजा होता है, कृष्ण हर साल देखते हैं। लेकिन कृष्ण आज कृष्ण जा करके अपना मैया को प्रश्न कर रही है। बोले मैया क्या बात है, आप आज इतने सारे तुम बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बना रहे हो, क्या बात है क्यों बना रहे हो, अभी प्रश्न होता है। फिर कृष्ण आज ही क्यों प्रश्न किए, अभी तो 7 साल से कृष्ण देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज ही कृष्ण प्रश्न क्यों करते हैं, कारण क्या है। बोले कारण है हम लोग उधर श्रवण कर रहे थे, कहते कृष्ण अभी 4 इच्छाओं को कृष्ण पूर्ण करना चाह रहे हैं। कितने इच्छाओं को, कृष्ण अभी 4 इच्छाओं कृष्ण पूर्ण करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। पहला जो इच्छा उसको बंद कर रहे हैं ना क्या, इसलिए 4 इच्छा क्या है। पहला इच्छा है कृष्ण सोच रहे हैं, देखो ये ब्रजवासी लोग किसको पूजा कर रहे हैं, बोले स्वर्ग का इंद्र को पूजा कर रहे हैं। बोले इंद्र कौन बनता है, बोले जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वही व्यक्ति इंद्र बन सकता है। अगर आप भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे इसको बाद में आप भी इंद्र बन जाओगे, लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ करना कोई साधारण बात नहीं, एक ही करना बड़ा कठिन है, इतना कठिन है यज्ञ करना। अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो वही व्यक्ति इंद्र पद को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए अभी लेकिन ये ब्रजवासी लोग कौन है, बल ये इंद्र कौन है, बल ये स्वर्ग का एक आधिकारिक देवता है, हैं? लेकिन ये एक ब्रज रज में इतने शक्ति है, एक ब्रज रज में इतने शक्ति है, हैं? इतने शक्ति ये ब्रज रज में, अद्भुत शक्ति है ब्रज रज में, कैसे कितने कितने ये इंद्र को, ये एक ब्रज रज में इतने शक्ति कितने इंद्र ये बना सकता है। इसलिए ब्रज का जो रज है, यहाँ का जो लता पता है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए और राधा रानी है और स्वयं ललिता विशाखा, ये कोई साधारण लड़कियां नहीं, ये कृष्ण के सबके सब प्रकाश है। कृष्ण ही राधा जी के रूप में प्रकाशित है और राधा जी ही कृष्ण सेवा के लिए ये अनंत गोपियों का रूप में कृष्ण प्रकटित हुए हैं। इसलिए ये कोई साधारण लड़कियां ये नहीं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, देखो ये ब्रजवासी कितने भोले भाले हैं, अगर नदवा बोल तो कन्हैया मेरे पादुका ले आओ तो कृष्ण ठुमक ठुमक करके चलते हैं और पादुका को हाथों में नहीं सर पर रख करके बड़े प्रसन्न होकर के गिरते पड़ते पादुका को ले आते हैं सर पर रख करके। बोले जिनकी चरण धूलि में स्वयं पादुका में सर पर धारण करता हूँ, जिनकी है जिनकी पादुका को मैं स्वयं धारण करता हूँ, अगर नंद बाबा है कुपिया कहते कन्हैया ये पीढ़ा ले आओ तो कृष्ण एक पीढ़े को बड़ी जोर से जैसे उठा नहीं सकते हैं, जिसने गिरिराज उठा लिए, जब गोपियां कहते लाला पीढ़े को ले आओ तो कृष्ण बड़ी कष्ट से उठते गिरते हुए पीढ़े को ले आते, कहते कन्हैया तेरे को हम छाछ पिलाएंगे, थोड़ा नाच कर नाच करके दिखा दोगे, कृष्ण थोड़ी सी छाछ के लोभ से कल तुमको मक्खन खिलाएंगे लड्डू खिलाएंगे थोड़ा नाच दिखा दोगे, कहते ना छछिया भर छाछ पे नाच नचा। इसलिए इनकी केवल छाछ के लोभ से कृष्ण ठुमक ठुमक करके नाचना शुरू कर देते हैं कृष्ण। इसलिए अभी कृष्ण सोच रहे हैं
मैं अपना चार इच्छाओं को पूरी करूंगा। पहला इच्छा है, अगर किसको सामने झोली फैलाना तो सबको सामने झोली मत फैलाओ। ये जो देवादेवी लोग हैं ना, वो क्या दे सकते हैं? ज्यादा वस्तु कुछ नहीं दे सकते हैं। संसार की दुनियादारी वस्तु को थोड़ी बहुत दे सकते हैं, और जो वस्तु दुख का कारण है, पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा, अगर कोई दे दिया, अरे भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, फिर तो कोर्ट कचरी, तरह तरह का दुख कष्ट है। बेटा नहीं बेटा नहीं, बेटा दे दिया, बेटा बात नहीं सुनता, बेटा बात नहीं सुनता बड़े होने का बाद। ये जो दुनिया की जो देवा देवी ये तुच्छ वस्तुओं को देते हैं, और जिसको द्वारा जीव बंधन दशा को प्राप्त करता है। इसलिए कृष्ण स्थापन करना चाहते हैं, पूजा करना तो, झोली फैलाना तो किसको पास में झोली फैलाओ? श्री गिरिराज जी बाबा को पास में झोली फैलाओ। जो कुछ मांगोगे कि गिरिराज गोवर्धन में, सारी इच्छाओं को श्री गिरिराज देंगे। और कोई इच्छा, सारी इच्छा को कोई पूरी नहीं कर सकते हैं। जन्म मृत्यु का चक्कर से निकलना तो, जन्म मृत्यु का चक्कर से निकलना तो देवादेवी नहीं दे सकते हैं। इसलिए भागवत में कथा आती है, जिस समय खत्वांग नाम के एक राजा हुए, एक समय देवता दैत्य में बड़ी जोर से लड़ाई, उन्हें खट्वांग नाम के राजा को उन्होंने बनाया सेनापति देवता लोगों ने, और इनकी मदद से उन्होंने सारे दैत्यों को परास्त कर दिया। इधर राजा सारे दैत्यों को उन्होंने परास्त कर दिया। अभी 33 करोड़ देवता खुश हो गए। तब इन्होंने ये खट्वांग राजा को प्रश्न करते, बताओ तुमको क्या चाहिए, बताओ तुमको क्या चाहिए? तब उन्होंने पूछा, ये बताओ कितने समय अब मैं जिंदा रहूंगा, मेरे पास में कितना परमाधि? तो उन्होंने देख करके बोले, बोले कुल 48 मिनट तू जिंदा रहोगा, 48 मिनट बाद तुम मरने वाले हो। बोले एक काम कर सकता हूँ? बोले बताओ। बोले मेरे परमाधि को थोड़ी सी बढ़ा सकते हो? बोले नहीं। बोले हमें मुक्ति दे सकते हो? बोले नहीं। बोले जो मेरे परमाधि बढ़ा नहीं सकते हमें, तुम मुक्ति नहीं दे सकते हो, फिर तुम क्या दे सकते हो? तुम हमें क्या दे सकते हो? परमाई बढ़ा नहीं सकते, मुक्ति नहीं दे सकते हो। बोले ये चीज को कौन दे सकता है? बोले केवल एक कृष्ण ही दे सकता है, केवल एक कृष्ण ही ये काम दे सकता है। मुक्ति कृष्ण के सिवाय कोई दे ही नहीं सकते। परमाई को बढ़ाना तो केवल कृष्ण ही बढ़ा सकते। दुनिया में कोई देवता नहीं हुए जो तुम्हारी परमाई को बढ़ाएगा, क्योंकि देवता का भी एक निर्दिष्ट समय है। ये इंद्र का भी एक निर्दिष्ट समय है, ये चंद्र का भी एक निर्दिष्ट समय है। जितने देवा देवी ये पुण्य कर्म करके प्राप्त करते हैं, लेकिन पुण्य समाप्त होते ही देवताओं को भी स्वर्ग छोड़ना पड़ता है, फिर इसी मरते जगत में आना पड़ता है। कोई नहीं दे सकते, केवल ये कृष्ण ही दे सकते हो, कोई दे नहीं सकते। बोले एक काम करोगे? बोले बोलो। बोले हमको ऐसे एक द्रुतगति विमान दो जो मैं जल्दी जल्दी इस मरते जगत में जाऊं, और मेरे पास में जो कुल केवल 48 मिनट है, इसी समय में भगवान के चरण में अपना मन को लगा करके संसार से उधार हो जाऊं। उन्होंने एक मुहूर्त में उन्होंने आए मरते जगत में, और एक मुहूर्त में उन्होंने अपना मन को संपूर्ण विषय से हटा करके पूरा अपना मन को कृष्ण के चरण में लगाया, और एक मुहूर्त में उन्हें भगवत प्राप्ति हो। जो 33 करोड़ देवता, देवता जो चीज उनको नहीं दे सके, किसने दिया? केवल कृष्ण दिया। इसलिए कृष्ण का एक नाम मुकुंद, मुकुंद मतलब क्या? मुक्ति ददाति जा साहिब मुकुंद, जो मुक्ति जीव को मुक्ति दे सकते हैं, केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, और कोई दे ही नहीं सकते जीव को मुक्ति है, है? और उन्होंने क्या बोले? उन्होंने एक चीज मांगी, बोले मरते जगत में जाऊंगा, इसे मरते जगत में। बोले स्वर्ग में क्यों नहीं? बोले वही पता, वही पर तो मन को भगवान में लगा सकते थे। बोले नहीं, कि जीव जब तक इसे मरते जगत में नहीं आएगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मरते जगत में जीव को यही पर, यही से ही जीव को भगवत प्राप्ति मुक्ति, यही स्वर्ग से नहीं। जीव को स्वर्ग से भगवत भक्ति नहीं होता है, वह ज्यादा विषय भोग है, हैं? इसी मरते जगत में, इसलिए उन्होंने इसी मरते जगत में जन्म लेने के लिए प्राप्त किया। इसलिए भागवत में वहां पर बताए, इसी मरते जगत में जो मानव शरीर है, भगवान राम कह रहे हैं,
बड़े भाग मानस अनुभव, उन्होंने ये नहीं बताए बड़े भाग ते बता अनुभव, उन्होंने ये नहीं बताया भगवान का, बोले बड़े भाग मानस अनुभव, कहते बड़े भाग्य से ये मानव शरीर जीव को मिलता है, हैं? बोले सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ नावा, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई कर लोक सभा, ये भगवान राम कह रहे, बोले ये मानव शरीर नहीं, कहते ये मुक्ति की दरवाजा में तुम खड़े, ये मुक्ति की दरवाजा में, यहाँ पर मुक्ति की दरवाजा में तुम खड़े हुए हो, इसी जीवन में ही जीव को मुक्ति मिल सकती है, और किसी जीवन में जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए भारत वर्ष में जन्म लेना, पृथ्वी में जन्म ग्रहण करना बड़ा भाग्य से पृथ्वी में कोई जन्म लेते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते झोली फैलाना, कहते इसको पास में झोली फैलाओ, बोले श्री गिरिराज, गिरिराज कौन है, कहते ये गिरिराज स्वयं कृष्ण है, गिरिराज जी कृष्ण है, इसलिए भागवत में बताए अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषम परम, कहते सारे कामना को लेकर कहो, नहीं तो सारे कामना को छोड़ कर कहो, कुछ मांगना हो नहीं मांगना हो, यहाँ तक भी जो मुक्ति की जो काम इच्छा है, कहते ये कौन देने वाले है, कहते गिरिराज गोवर्धन, ये कृष्ण ही ये चीज को दे सकते हैं, इसलिए कृष्ण यहाँ शिक्षा देना चाहते हैं, दूसरे दूसरे देवा देवियों को पूजा बंद करो करके, इसलिए मांगना तो किसको मांगो, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन के चरण में मांगो, इनकी इच्छा से ही सब कुछ यही देने वाले, सब कुछ यही देने वाले, लेकिन हमारे भारत के लोगों को देखना, वो विशेष करके वो बाथरूम है ना, सुना उसको इस बाथरूम में ले जाओ, उसको 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 ले जाओ, उसको बाथरूम में ले जाओ, उसको बाथरूम में उसको उठा कर ले जाओ, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी राधा रानी की जय महारानी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय बल कुंज बिहारी की जय 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 बल कुंज बिहारी की जय जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे हरि कृष्ण हाँ हरे कृष्ण हरि कृष्ण हरे कृष्ण हाँ वही तो इधर आ जाता हर सुना वही हरे बोले गिरिराज महाराज की जय। लेकिन हमारे भारत में जो लोग हैं वो कहते हैं भैया जो मुक्ति पाना चाहते हैं ना डॉक्टर डॉक्टर प्रभु बुलाता है कहते हमारे भारत में लोगों का जो भावना है वो विशेष करके ऊपर आ जाता है ऊपर ऊपर कर इधर प्रभु जी आप इधर आ जाए आप बैठो
हरे कृष्ण। इसलिए हमारे भारत में लोगों को जो धारणा है ना कि तारी जो मुक्ति पाना चाहते हैं ना वही लोग तो गिरिराज को पूजा करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे। लेकिन हमें तो स्त्री पुत्र परिवार है, हमें तो दुनियादारी वस्तु चाहिए। ये शंकर जी जल्दी खुश हो जाते, शंकर जी ये सबसे भोले बाबा है ना, ये जल्दी खुश हो जाते, मैया जल्दी खुश हो जाते हैं, और ये स्त्री पुत्र परिवार इसको जल्दी जल्दी दे देते। इसलिए हम तो हमको तो दुनियादारी स्त्री बेटा बेटी दुनियादारी दुकान वकान चाहिए। इसलिए अक्सर के लोग क्या करते हैं, दूसरे देवा देवियों को पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते, गिरिराज पूजा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे मत समझो। इसलिए श्री ध्रुव महाराज जब भगवान की भक्ति की है, उन्होंने किस लिए भक्ति की, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए नहीं की, वो इसलिए किया था पिताजी गोद में बैठेगा, मैं बड़ा भैया हूँ, राज्य मेरे को मिलनी चाहिए, राजा मैं बनूंगा, मेरे भैया को राजभा तो बनाऊंगा, इसी भाव से वो गया था तपस्या करने के लिए। लेकिन जब भगवान संतुष्ट हो गए, बोले बेटा पर मांगो, ध्रुव जी क्या कहता है, बोले प्रभु पहले मैं तो मूर्ख था, इसलिए ये दुनियादारी वस्तु को पाने के लिए आया था, अभी जब आपका दर्शन हो गया, आपका दर्शन कैसे है, आपका दर्शन है कद देव देव ऋषियों के लिए भी तुम्हारी चरण दुर्लभ है, देवता ऋषियों के लिए भी अभी वो दुर्लभ चरण मिल गया, इसलिए प्रभु हमें और ये दुनिया की चीज नहीं चाहिए। अगर कोई कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर इसको पारसपत्र मणि मिल जाए, जगत में कौन बेकूफ होगा जो कि पारसपत्र छोड़ करके कांच के टुकड़े को लेगा। आपका चरण तो पारस मणि, आपका चरण प्रभु मेरे को आपकी चरण चाहिए, हमें दुनिया की वस्तु नहीं चाहिए, वो मांगना नहीं चाह रहा है। लेकिन भगवान जब दिए ध्रुव जी को क्या दिया बताओ, बोले तो जाओ संपूर्ण पृथ्वी का 36,000 साल तक राज्य तो बनो जाओ, और उसको बाद में जैसे मेरे एक वैकुंठ लोग है तेरे लिए भी वैकुंठ लोग बनाऊंगा, जब तक ये दुनिया रहेगा तेरे को सबके सब याद करेंगे। वो कौन सा लोग था, ध्रुव लोग है, अभी भी ये ध्रुव तारा को सब देख करके ना सब कुछ, वही जितने ज्योतिष लोग है वो सब कुछ ध्रुव तारा को देख करके अपना काम करते हैं, और सारे नक्षत्र उसको घूमता रहता है चारी तरफ, उसको चारी तरफ में सारे नक्षत्र घूमते हैं। इसलिए संसार का वस्तु तो मिलेगा, पूरा पृथ्वी का राज्य दे दिए उसको, बाद में उसको अपना धाम दे दिए। लेकिन देवा देवी को पूजा से क्या होगा, रावण का नाम सुने हो, कौन कौन रावण को जानते हो, सब जानते हो ना, जानते हो रावण को ना, लंका बिला उसने 10 बार सर काट कर दे शंकर जी को दे दिया, 10-10 बार इतने कठोर तपस्या, भस्मासुर का नाम सुने होंगे, उसने तो मांस को काट काट कर आहुति दिया, लास्ट में अपना गला काट कर देने जा रहा था, शंकर जी प्रकट हुए, बोले जिसके सर पर हाथ रख करके वही जल कर राख हो जाए, लेकिन शंकर जी को ही पीछा किया मारने के लिए, हैं शंकर जी को ही पूछा किया, रावण 10 बार सर काट कर दे दिया, 10 बार उसके सर काट करके उसने दे दिया बाबू शंकर जी को, लेकिन सीता जी को ही उठा करके ले गया और लंका समेत समाप्त हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, ये दुनिया की वस्तु इतने भगवान देते हैं जो सोच भी नहीं सकते हो। विभीषण का नाम जानते हो, विभीषण का नाम सुने ना, जब विभीषण जब प्रभु राम की शरण में आ गए, जब प्रभु राम की शरण में आ गए, अभी रावण को मारे नहीं, पहले ही राज तिलक लगा दिया, इतने में सुग्रीव कह रहे बोले प्रभु क्या कर रहे हो आप, अब रावण को अभी तक मारे नहीं और विभीषण आ गया तो आप उसको राज तिलक लगा रहे हो, लंका का राजा बना रहे हो। अगर 1% मानो रावण आपकी शरण में आ गया क्या दोगे आप, तो विभीषण को राज तिलक लगा दिया, भूषित कर दिया, विभीषण को क्या बन गया, बन गया लंका का राज्य बन गया। आप अगर 1% आ गया तो उसको क्या दोगे, तो भगवान कहते चिंता क्यों करते हो, मेरे अयोध्या उसको दे देता, मेरे अयोध्या राज्य उसको दे देता। बोले अयोध्या को तो भरत को देख रखा है, अयोध्या किसको देख रखे, भरत को, भरत को क्या दोगे, बोले मैं अपना वैकुंठ लोग दे देता। बोले अगर भरत को वैकुंठ लोग दे दिया तो आप कहा रहोगे,
आपको रहने के लिए तो कोई जगह चाहिए। भगवान देखो भगवत शरण में कितनी शक्ति है, कहते अगर मैं उसको वैकुंठ लोग दे दूंगा तो आप कहाँ रहोगे? बोले मैं मेरे लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं। इसलिए नारद जी पूछे प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान खुद कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय मैं तो केवल एक ही जगह पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नाम लेते हैं भजन कीर्तन करते हैं, केवल वही रहता हूँ और भक्तों का हृदय में रहता हूँ, मेरे लिए कोई जगह की जरूरत नहीं। मतलब भगवान इतने दयालु, भगवान कृष्ण राम इतने दयालु, अपना वैकुंठ लोग भी दूसरों को दे देते हैं, कहते मेरे लिए तो कोई जरूरत नहीं की जगह। मतलब भगवान इतने दयालु, इसलिए कहते जो गिरिराज गोवर्धन है ये कृष्ण है, ये स्वयं कृष्ण गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए कहते झोली फैलाना है ना, कहाँ पर झोली फैलाओ? गिरिराज को पास में झोली फैलाओ, ये कृष्ण है। इसलिए देखो जितने भगवान के भक्त हैं, ध्रुव महाराज राजानंद महाराज, प्रहलाद महाराज राजानंद महाराज, भरत महाराज, अंबरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इसलिए जितने बड़े बड़े महाराज है ना सबके सब कृष्ण का भक्त है। सबके सब कृष्ण राम के सारे बड़े महाराज सब देखो उनका नाम है, हैं? इसलिए पांडव लोग को ये कृष्ण भक्ति करते थे। पांडव की बताओ उनकी पत्नी कौन थी? द्रौपदी। वो उसी समय में विश्व सुंदरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं विश्व सुंदरी को? मिस यूनिवर्स। वो विश्व सुंदरी, इसलिए कृष्ण कहते हैं भैया उसको कर्ण भी शादी कर सकता था। बोले नहीं, कहते मेरे जो भजन करेगा ना उसको विश्व सुंदरी मेरे भक्तों को मिलनी चाहिए, सुंदरी है। और उनकी जो भाई थे एक से एक है, सर्वश्रेष्ठ गांडी बिहारी, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, कौन है? भीम अर्जुन है। इसलिए और कहते जो मेरे भक्त बनेंगे ना, मेरे जो भक्त बनेंगे वो एक से एक बलवान है, एक से एक बलवान है मेरे जो भक्त हैं, इनसे बलवान दुनिया में कोई नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति से सब कुछ, इसलिए कहते गिरिराज की पूजा करोगे वो तुम्हारी झोली को पूरा भर देंगे। इसी दुनिया की वस्तु तो देंगे, उसको बाद में उसमें भगवत धाम भी देंगे। इसलिए कृष्ण आज सोच रहे हैं, आज कृष्ण ये सोच रहे हैं, इसलिए कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं मैया को। बोले मैया कहा बात है, तू क्यों ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ और रसमलाई लड्डी के लिए चमचम कढ़ी चावल क्यों बना रही हो? इसलिए कृष्ण जान बूझ करके कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना चार काम का हासिल करना, पहला हासिल करना स्थापन करना, दूसरे देवादेव को पूजा मत करो, पूजा करना तो कृष्ण और गिरिराज की पूजा करो, ये पहला कारण। दूसरा कारण था इंद्र का अभिमान है, मैं स्वर्ग का राजा हूँ और ये ब्रजवासी मेरे प्रजा है और मैं स्वर्ग का राजा हूँ, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा ना बस घास नहीं होगा, गैया घास नहीं खाएंगे तो दूध नहीं देंगे, और इनकी मूल आहार दूध से ही क्या बनता है? दूध से ही दही बनती है, उससे ही मिठाई बनती है, इससे ही मलाई बनती है, इससे ही मक्खन बनता है, इससे ही घी है। अब देखना जो लोग ग्वाला लोग है ना, भाई दूध से ही सब कुछ खा लेते हैं, रोटी उसमें खा लेंगे, चावल उसमें डालकर खा लेंगे, बस दूध ही उनकी मूल धन है, है? इसलिए इंद्र का अभिमान है, मैं बारिश बरसाता हूँ तभी ये ब्रजवासी जिंदे हैं, नहीं तो सब सब मर जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने देखा इसकी अभिमान को हमें दूर करना है, अभिमान किसको दूर करना है? इसका अभिमान घमंड को दूर करना है, अब इसको पता नहीं ब्रजवासियों का महिमा क्या है। तीसरा कारण क्या था? जहाँ ब्रजवासियों को साथ में ये मेरे से अभिन्न है, कभी कभी राधा रानी से मिलना तो बहुत कठिन होता है और ये गोपियों से मिलना तो बहुत ही कठिन है, बड़ी कष्ट से कहीं इसमें मिलता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ इनको साथ में सात सात दिन तक इनको साथ में उत्सव में करूँ। बोले उत्सव करेगा कैसे? जब इकट्ठे होंगे तब तो उत्सव करेंगे,
इसलिए कहते जब इंद्र बारिश बरसाएगा मैं गिरिराज उठाऊंगा, सबके सब इसको नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, फिर तो मेरी एक इच्छा पूरी हो सकता है, इनको साथ में सात सात दिन तक मैं उत्सव मनाऊंगा। और इनका जो चौथा गाना था क्या था बोलो, कौन बोलेगा? जो कृष्ण का सबसे जो बड़ी इच्छा थी, ये गिरिराज जो सबसे कृष्ण का सबसे बड़ी इच्छा को पूरी की, क्या अभी तो बोल दिया ना, हाँ, इसलिए जो सबसे जो बड़ा कारण है कृष्ण का जितने लीला है, सबसे जो श्रेष्ठ लीला रास लीला है। रास लीला मतलब क्या? रस है, जहाँ पर रसी रस है, जहाँ पर भक्त भगवान की पूर्ण मिलन है, जहाँ पर रस है, नृत्य कीर्तन आनंद है। रास कोई गंदी चीज नहीं है, है? हम कहते ना एक लड़का लड़की नाचना नहीं, ये आनंद है, जहाँ पर सुंदर सुंदर म्यूजिक वाद्य कीर्तन, ये रास है। इसलिए कृष्ण की सर्व जो श्रेष्ठ लीला ये रास लीला है। अभी कृष्ण रास लीला करना चाहते हैं, लेकिन रास लीला तो अकेले नहीं कर सकते ना, जब तक गोपियां नहीं हो, जब तक राधा रानी नहीं हो, रास नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण पहले मैंने बताया था ना, कृष्ण हीरो है ब्रज का, और हीरोइन कौन है? ये ब्रज की गोपियां ये हीरोइन है। जैसे एक हीरो किसी हीरोइन को अपना तरफ में आकर्षण करने के लिए क्या करता है, हीरो वो हीरोइन को सामने कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा और उसको साथ में खूब मारपीट करेगा, मारपीट करके सबको परास्त करके हरा देगा। वो हीरोइन देखेंगे बोले बाबा रे तो बड़ा बलवान है, ये तो बड़ा पहलवान है। फिर वो अपनी आप उसको ऊपर में वो आकृष्ट हो जाती है। इसलिए कृष्णा उन्होंने दो बहादुर दिखाया, एक तो कालियुग नाग पर नृत्य किया, दूसरा उन्होंने बहादुर क्या दिखाया, उसने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। अगर आपको बोले पांच मिनट हाथ में रखो ना, पांच मिनट हाथ में रखो, अगर बोले दस मिनट लगा, एक घंटा रखो, है? इसलिए एक घंटा रख सकते हो हाथ वैसे नहीं, दस मिनट रखना भी बड़ा कठिन है। लेकिन कृष्ण ने सात सात दिन तक कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में, अनिष्ठ अंगुल नहीं, ये नख को ऊपर में गिरिराज को उसने उठाया। और कितने बड़े गिरिराज देख रहे ना, अभी जो गिरिराज देख रहे हो उस समय इतना नहीं, उसको तो 64 मील कहते ये चौड़ाई लंबाई थी, और कितना मील 16 मील तक ये थी लंबाई। इसलिए इनका नाम था गिरिराज। गिरिराज मतलब क्या, जितने गिरी हो गए पर्वत में जो राजा, मतलब जितने ऊंचाई और कोई नहीं था, हिमालय को कहते बड़ा है, एवरेस्ट को नहीं, उससे भी बड़ा था ये गिरिराज गोवर्धन। लेकिन ये पुलस्त ऋषि के अभिशाप से धीरे 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 ये नीचे दबते हुए जा रहे हैं और क्षय होते जा रहे हैं पुलस्त ऋषि के अभिशाप में। इसलिए जब घोर कलयुग आएगी ये गिरिराज भी नहीं रहेगा, ये गिरिराज गोवर्धन नहीं रहेगा, गंगा नदी भी सूख जाएगी, यमुना भी सूख जाएगी। धीरे 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 जब घोर कलयुग आएगी, बड़ा अनर्थ होने वाले, मार मार काट काट हैं, यही केवल होगा। घोर जितने कलयुग आएगी उतना ही कली का प्रभाव बढ़ते जाएगा, कली की प्रभाव बढ़ते जाएगा। इसलिए जितने जल्दी होना, हमको भगवान की भक्ति करके इस दुनिया से चले जाने चाहिए। अभी तो ये स्थिति, लेकिन जब दूसरे बार आओगे फिर और भी घटता हुआ देखोगे, और भी दुनिया में घटते हुए देखोगे। इसलिए पहले जो इज्जत स्त्रियों को था, हाँ, जो परिवार में शांति श्रृंखला था, ये सब नहीं रहेगी, ये सब चीज नहीं रहेगी। पति पत्नी के भाव अभी धीरे धीरे ये सब खत्म होते जा रहे हैं। जो शादी बेटा बेटी पति पत्नी जो हमारी इज्जत है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अभी धीरे 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 ये संस्कृति धीरे धीरे अभी खत्म होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोगों को ज़्यादा पता है कि इंटरनेट मोबाइल और क्या सब, मोबाइल इंटरनेट और जो टीवी हैं। एक संत कह रहा था जब कृष्ण आए थे, जब भगवान कृष्ण थे उन्होंने संजय को दिव्य ज्ञान दिया, तो वहीं पर बैठी बैठी करके तुम सब कुछ तुम धृतराष्ट्र को सुना सकते हो। उस समय साइंस की बहुत एडवांस था, तो क्या उसी समय ये मोबाइल नहीं निकाल सकते थे? उस समय ये इंटरनेट और स्मार्टफोन जियो पियो क्या नहीं निकाल सकते थे? बोले निकाल सकते थे, लेकिन क्यों नहीं निकला? बोले ये दुनिया के अनर्थ करने वाले के लिए,
अगर एक दिन ध्वंस होगा दुनिया ना, इससे ही ध्वंस होने वाला है। आपको पता होगा धीरे धीरे यही चीज ध्वंस करेगा दुनिया को, है यही चीज पूरा दुनिया को नष्ट कर देगा। यही एक दिन दुनिया को, बच्चों को जान तो दिन भर लेकर के हैं उसमें गेम खेलना, पाकम के भी उसमें ही पागल बन जाते हैं, उससे ही पागल बन जाते हैं। इसलिए एक दिन ये दुनिया को यही ध्वंस करने वाली यही चीज होगी, है। इसलिए इसलिए यहाँ पर कृष्ण ये ब्रज गोपियों को ये आकर्षण करना चाहते थे, इसलिए कृष्ण अपना बहादुर दिखा करके उन्हें उनका आकर्षण किया। इसलिए कृष्ण उसको बाद में उनकी रास लीला हो गई, तो गोपियों के बगैर तो रास नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण सब जानते हैं ये बात को, इसलिए कृष्ण जान बुझ करके ये चार ही काम को कृष्ण पूरी करने के लिए मैया से प्रश्न किए, मैया क्या बात है तो ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है। इतने में मैया पिताजी के पास में जा, पिताजी के पास में जा, पिताजी को पूछ चुकी हूँ, उनको पता है ये इंद्र देवता के लिए बन रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, हर चीज को मुंह में कोई चीज बढ़िया चीज बनेगा सबसे पहले मुंह पर मारते हैं, बच्चे बढ़िया चीज बना रहे पहले बच्चे उठा कर खा लेते हैं। इसलिए कृष्ण तो बच्चे हैं, ये इंद्र देवता के लिए बन रहा है। हो ना कृष्ण खाने के लिए, खाने के लिए झूठा हो जाएगा तो पूजा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले तो पिताजी के पास में, पिताजी की प्रश्न कर। अभी कृष्ण आकर के नंद बाबा की गोद में बैठे गए और उनको दाढ़ी पकड़ ले, बोले पिताजी पिताजी ये मैया रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ ये सब क्यों बना रहे हैं पिताजी। इतने में कृष्ण नंद बाबा आंसर देते, बोले बेटा हम लोग स्वर्ग का देवता हैं, स्वर्ग का देवता इंद्र की हम पूजा करना चाहते हैं, इंद्र की पूजा करना चाहते हैं। इतने में कृष्ण प्रश्न करते हैं, बोले पिताजी ये जो आप पूजा कर रहे हो ये लौकिक ना पारमार्थिक ये पूजा है, ये पूजा आप कब से हो रही है। बोले जब से हमारी गोसा है मैं तब से हम देख रही हूँ ये पूजा हो रही है, तब से ये पूजा को हम देख रहे हैं। बोले पिताजी ये जब से आपको होश आया तब से ये पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बोले ये बारिश बारिश ही बरसाता है इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। बोले पिताजी ये जंगल क्या इंद्र को पूजा करता है, ये जंगल में बारिश होती कि नहीं, ये समुद्र क्या इंद्र को पूजा करता है, ये समुद्र में बारिश होती कि नहीं, तो वहां भी बारिश हो रही है। नंद बाबा तो चुप हो गए, उन्होंने ऐसे प्रश्न किया उनको चुप करा दिया है, उनको बोली बंद हो गई। बोले हाँ ये बरसता होगा है, बरसता होगा। बोले फिर आप इंद्र को पूजा कर क्यों कर रहे हो, कारण क्या, किस लिए पूजा कर रहे हो। बोले पिताजी जीव जैसे कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप जीव फल भोग करता है। हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है कहते ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म के द्वारा हम जीव को फल प्राप्त होता है। बोले पिताजी ये जो बारिश हो रही है ना पिताजी, जानते हो क्यों बारिश होती है। बोले ये गिरिराज पूरा हरा भरा है, पूरा हरा भरा है, ये मेघ आकर के टकराता है, ये गिरिराज गोवर्धन आकर के मेघ टकरा रहा है, टकरा करके ये बारिश होती है। और गैया घास कहाँ खाते हैं पिताजी, बोले गिरिराज गोवर्धन गैया घास खाते हैं। बोले आपको ये मीठी मीठी पानी कहाँ से मिलता है, बोले गिरिराज गोवर्धन में झरना से। बोले ये जितने फल फूल आपको खाना मिल रहा है ये फल फूल आपको कहाँ से मिलता है, बोले ये गिरिराज गोवर्धन से मिलता है। बोले पिताजी फल भी मिलता है, फूल भी मिलता है, जल भी मिलता है, घास भी मिलता है, और वहां पर सरोवर भी है, राधा कुंड श्याम कुंड है, वहां पर मानसी गंगा है। बोले आप स्नान कहाँ करते, बोले ये कुंड में। बोले सब कुछ तो आपको गिरिराज से मिलता है, सब चीज तब मिल रहा है गिरिराज गोवर्धन से। फिर जब गिरिराज गोवर्धन से सब मिलता है फिर अपना घर की देवता को छोड़ करके क्यों बाहर देवता को पूजा कर रहे हो, पूजा सब कुछ तो गिरिराज से ही मिल रहा है। बोले पिताजी पिताजी इंद्र अब पिताजी जो ब्रज की जो महिमा है ना पिताजी साधारण नहीं, इसलिए 100 असमयद्ध करने पर वो बनता है इंद्र, किंतु करोड़ असमयद्ध करने पर भी ये ब्रज की एक रज आपको नहीं मिल सकता है, ब्रज की एक रज नहीं मिल सकता है। ये ब्रज रानी, ये ब्रज साधारण वस्तु नहीं,
एक समय कोई टिकिया कोई राज्य था, वहां से एक रानी पालक में बैठ करके आ रही थी। वृंदावन में रानी आ रही थी ना, टिकिया की रानी। सब लोग बोले ए हट जाओ टिकिया की रानी आ रही, टिकिया की रानी। लेकिन वहां पर एक मेहतरानी थी, मेहतरानी जानते कि नहीं, जो रास्ता को साफ करती है नाली, मेहतरानी। बोले वो तो अकड़ कर खड़े हो गए, ब्रजवासी है ना। बोले ब्रज में चार चार रानी, पंचमा रानी कहां से आ गई? हां ब्रज में चार चार रानी है, ये पंचमा रानी कहां से आ गई? वो रानी सुन करके तो दंग हो गई, बोली क्या कह रही है? बोले ब्रज में चार चार रानियां हैं, वो तो वहीं पर खड़ी होगी, निकल उतर करके आ गई पालकी से। बोले भैया यहाँ पर कौन कौन चार रानी है? बोले सबसे पहला नंबर ये ब्रज के रज रानी, ब्रज का जो रज है धूल, ये रानी है, ये ब्रज की रज रानी। बोले दूसरी रानी, बोले दूसरी रानी ये जमुना पट रानी। बोले तीसरी रानी, बोले सबसे बड़ी रानी से राधा रानी। बोले चौथा रानी, बोले इनको सेवा करने वाले में मैं करानी। बोले इनकी सब सेवा करने वाले में मैं करानी। बोले ये चार चार रानी रहते रहती है, पंचमा रानी तो कहां से आ गई? इसलिए जो ब्रज धाम है ना, अद्भुत धाम श्री ब्रज धाम है। इसलिए कहते करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने पर भी तुमको ये ब्रज की एक धूल नहीं मिल सकती है। इसलिए ब्रह्मा भी स्वयं इतने बड़े ब्रह्मा दुनिया को सृष्टि करने वाले, हम कल जाएंगे बरसाना जाएंगे। बोले 60,000 साल ब्रह्मा जी पत्थर बनकर के तपस्या की, पत्थर रूप में। ये जो बरसाना, ये बरसाना नहीं, ये ब्रह्माचल पर्वत है। शंकर जी आप देखोगे नंदगांव जाएंगे, वो नंदेश्वर महादेव, वो स्वयं शंकर जी पर्वत बने। और ये गिरिराज गोवर्धन कौन? ये साक्षात विष्णु है। ये गिरिराज गोवर्धन स्वयं विष्णु ही, ये गिरिराज गोवर्धन बने हैं। यहाँ पर सारे पर्वत लोग, सबके सब यहाँ पर पर्वत लोग, जितने बड़े देवता लोग पर्वत रूप में यहाँ पर जन्म लिए। बोले क्यों? बोले हमारी सौभाग्य जग जाए, भगवत लीला दर्शन हो, ब्रज की रज हमें प्राप्त हो। इसलिए कृष्ण ने कहा पिताजी आपको ये ब्रज की महिमा आपको पता नहीं। इसलिए हम कल सुन रहे थे ना, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव के खेली कुंज कोटि कोटि दासी है, गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, कहते स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं है कि हमसे वृंदावन वासी है। इसलिए ये पिताजी आप वृंदावन की महिमा आप नहीं जानते है पिताजी। कृष्ण ने कहा पिताजी ये बताओ ये गिरिराज गोवर्धन आप तो इंद्र पूजा बड़े दिनों से कर रहे हैं। बोले हाँ। बोले आपने देखा है उनको खाते हुए? बोले नहीं लाला। बोले जिसको कभी देखा ही नहीं, कैसे पूजा कर रहे हो? लेकिन आप जो ये गिरिराज की पूजा करोगे ना, इन्हीं आंखों से देखोगे साक्षात रूप में ये गिरिराज स्वयं प्राण कर रहे हैं। अब देखोगे इन्हीं आंखों से कृष्ण स्वयं भजन करते हुए देखोगे। और पिताजी आप जो मांगोगे ना, स्त्री पुत्र परिवार दुनियादारी जो मांगोगे, ये साक्षात रूप में प्रकट होकर के सब इच्छाओं को पूरी करेंगे, सबका आशीर्वाद देंगे, हैं? सबका आशीर्वाद देंगे। नंद बाबा ये बात सुनकर के उनको बहुत अच्छा लगा। बोले लाला हमने इन्हीं आंखों से देवता कभी देखा ही ना, लेकिन इन्हीं आंखों से देवता देखेंगे। अगर आपको कोई बोलेगा भैया अमुक देवता उसी जगह पर अमुक देवता प्रकट होगा, क्या होगा आप बताओ? सारा दुनिया देखने। बोले भैया इन्हीं आंखों से देवता दर्शन मिलेगा, इन्हीं आंखों से देवता दर्शन मिलेगा, सारा दुनिया लोग वहां पर जाएंगे। बोले भैया हम तो अभी तक कभी देवता देखो ही ना, इन्हीं आंखों से देवता दर्शन मिलेगा, फिर तो हम इंद्र पूजा नहीं, हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की, जोर से बोले, बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले भैया फिर तो हम इंद्र पूजा नहीं, गिरिराज गोवर्धन की, हम सबके सब गिरिराज की पूजा करने के लिए आएंगे। अभी जो 1 किलो लड्डू बना रहे थे ना बेसन का, बोले गिरिराज का साई हम 2 किलो लड्डू बनाएंगे। जो 4 किलो 2 किलो बना रहे थे पूरी, बोले हम 4 किलो गिरिराज के 4 किलो हम बनाएंगे पूरी। जो कड़ी बना रहे थे हैं 2 किलो दही की, बोले आपको 4 किलो दही की कड़ी बनवाएंगे। इसलिए जो जितने बना रहे थे ना, बोले इन्हीं आंखों से गिरिराज का दर्शन होगा, फिर देवता दर्शन मिलेगा, फिर हम डबल डबल बनाएंगे।
ब्रज में 365 गांव है, अभी भी 365 गांव है ब्रज में, गिनोगे तो 365 गांव मिलेंगे, तभी भी 365 गांव था, मतलब तरोली बरौली सही ऊंचा गांव नीचा गांव नंदगांव बरसाना हाँ चावट कोकिलावर, इसलिए अब गिनोगे ना वृंदावन, अब गिनोगे हाथ में माट गांठोली बेहज, अब गिनोगे अभी भी आपको 365 गांव ब्रज में आपको मिलेंगे। अभी जितने ब्रजवासी थे सबके सब इतने भोजन बनाए और छकड़ गाड़ी में ये बैल गाड़ी में भर भर करके लाए गिरिराज के लिए, इतने लाए बोले दो तरह का तो कढ़ी बनाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी, बोले राड कढ़ी बोले बगौर पकड़ करके बनाया, सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकड़े डाल करके बनाया, दो तरह का चूरमा, राजस्थान से कोई है कोई नहीं, हाँ एक राजस्थान बैठे, इसलिए दो तरह का चूरमा, एक हंसना और एक रोना, हंसना मतलब क्या पतले में रखते ही जो खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकना है, इसलिए दो तरह का तो बनाया चूरमा बनाए दो तरह का, और 15 तरह का तो परना बनाया, मूल की बथुआ की गोभी की आलू की है, इसलिए पालक की जितने तरह का हो सकता है 15 तरह का तो परठा बनवाए, हमारे एक गुरुजी की शिष्य 40 तरह का परठा बनाता है, 40 तरह का परठा बनाता है, उसका नाम परठा था, उसका नाम परठा नाम पर नाम रख दिया है, इसलिए दाल तो कितने तरह का 5 तरह का दाल बनवाए, क्या क्या बनाए, मूंग की दाल अरहर की दाल उड़द की दाल और छोले की दाल मटर की दाल, दाल तो कितने तरह का, हलवा तो इतने तरह का बनाए, सूजी की हलवा, रसिया लोग भी बढ़िया सुंदर, रसिया के लोग भी बड़े सुंदर हलवा बनाते हैं, रसिया में ना बड़े काजू पिस्ता बादाम डाल करके हैं, रसिया में लोग सबसे बढ़िया ये लोग हलवा बनाते हैं, हैं बड़े सुंदर हलवा बनाते हैं, वहां पर मूंग डाल के हलवा कितने तरह का हलवा बनवाए, इतना लाए उसका नाम क्या पड़ गया, अन्नकूट, अन्नकूट मतलब क्या है, कूट मतलब होता है पर्वत, अन्न मतलब होता है रोटी का पर्वत है, वहां पर 4 तरह का चावल बनवाए, एक फीकी चावल एक मीठा चावल एक मटर पनीर चावल एक नमकीन चावल, चावल तो 4 तरह का बनाया, आज कितना तरह का चावल बनाए थे तुम लोग, कुछ बनाए कि नहीं, कुछ बनाए नहीं, इसलिए 4 तरह का तो चावल बनवाए है, इसलिए वहां पर कूट मतलब पर्वत है सबके सब, और इतने सामान लाए, बोले देखो एक काम करो हर गांव वाले ना अलग 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 रख, क्योंकि बाद में बर्तन को लेकर लड़ाई हो गई थी, ये बोले मेरे बर्तन ये बोले मेरे बर्तन है, इसलिए पूरा गांव गांव हर गांव अलग अलग रखो सर सामान, और 365 गांव इतने लाए पूरा ये गिरिराज गोवर्धन भर गया, खाने में गिरिराज गोवर्धन भर गया सबके सब, कृष्ण स्वयं अपना हाथों से उन्होंने पंचामृत को द्वारा गिरिराज को अभिषेक किया, कृष्ण अपना हाथों से किया बच्चा पर तो अभिषेक करते हुए फिर अभिषेक में फिर पानी डालते हैं स्नान कराते हैं, लेकिन एक लोटा था हाँ एक लोटा गंगा पानी रखा तो कृष्ण डाले तो उनका केस ही नहीं भीगा, बोले और पानी ले आओ, बोले तालाब का ना नदी का ना कुएं के, बोले नहीं गिरिराज के लिए तो गंगा पानी चाहिए, गंगा पानी में ना स्नान होगा, बोले भैया हमारे गिरिराज ही अच्छो थे कोई भी पानी में, हमारे इंद्र ही अच्छो थे कोई भी पानी में नहा लो, तुम्हारी ऐसी तो बता गंगा के बगैर नहाएंगे नहीं, अगली बार तो तेरी गिरिराज तुम्हारी पूजा पूजा नहीं करेंगे, ऐसे ठाकुर जी है, बोले चिंता क्यों करते हो, बोले देख कन्हैया तभी हम तेरे गिरिराज को गिरिराज मानेंगे अगर तुम्हारी यहाँ पर अगर गंगा जी को प्रकट कर देगा, बोले आंख बंद करो, आंख बंद किया तो कृष्ण अपना मन में गंगा जी को स्मरण करते ही ये मानस गंगा स्वयं ये मानस गंगा प्रकट हो गई, बोले श्री मानस गंगा की, अरे खूब भर भर कर गिरिराज गोद ने स्नान कराया, स्नान करा के जितने सब खाना लाए थे सब में तुलसी पत्ता देकर कृष्ण आसन देकर गिरिराज गोद ने आह्वान किया है, आसन देकर पुष्पांजलि देकर के जब आह्वान किया सचमुच से गिरिराज जी स्वयं प्रकट हो गए सबको विश्वास दिलाने के लिए है, इसलिए कृष्ण ही स्वयं गिरिराज बनकर के विशाल रूप में दर्शन दिए, बोले देखो मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन जो व्यक्ति मेरी पूजा करेगा किसी जीवन में अन्न वस्त्र से कभी नहीं होगा, अगर मेरे को जो अनादर करेगा ना वो
भीख मांगते रहेगा, दरिद्र बन जाएगा और उसको सर्प दंशन करेगा। उन्होंने साक्षात रूप में देखा भगवत प्रकट हुए। इतने में कृष्ण ने हाथ पसार पसार करके सब कुछ खा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे और मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया। बोले आनोरे आनोरे, बोले और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले कृष्ण, बोले गिरिराज गोवर्धन, आप गरीब ब्रजवासी, आप इसमें ही संतुष्ट हो जाओ, इसमें ही खुश हो जाओ। फिर भगवान बोले तृप्त अस्मि, मैं प्रसन्न हो गया हूँ, सबके से वर मांगो, क्या चाहते हो। लेकिन वो ब्रजवासी है ना, ब्रजवासी मतलब क्या, ब्रजवासी उसको कहते हैं जिनकी प्रेम एकनिष्ठ केवल कृष्ण शरण, केवल कृष्ण की चरण में इनकी एकनिष्ठता है। इन लोगों ने एक ही वर मांगे, बोले हे गिरिराज, अगर हमें कुछ देना चाहते हो, हमारा लाला कन्हैया गोबर में बार बार ये विपत्ति आ जाती है। पहले पुतना आ गया, फिर सतरासुर आ गया, दुनिया भर का आ गया, अघासुर बकासुर, पता नहीं बिना कारण के कारण राक्षस लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए। इसलिए यही आशीर्वाद दो, हमारा लाला कृष्ण अच्छे रहे। कृष्ण कृष्ण स्वयं तो स्वयं आशीर्वाद देते हैं, कन्या तुम्हारी अच्छो ही रहे, आशीर्वाद दी। और भगवान सबको वरदान दिया है, सबका आशीर्वाद गिरिराज गोवर्धन दिया। इतने में कृष्ण ने कहा चलो चकाचक भजन कर, चलो हम गिरिराज परिक्रमा करेंगे। ये कृष्ण स्वयं गिरिराज परिक्रमा की, इतना महिमा क्यों गिरिराज की। ये कृष्ण ही ऐसे एक देवता हुए, कृष्ण अपना हाथों से जिनको अभिषेक करवाया, कृष्ण स्वयं। और ऐसे ही एक देवता हुए जिसकी परिक्रमा कृष्ण प्रारंभ करवाया। इसलिए कृष्ण स्वयं गिरिराज परिक्रमा ब्रजवासियों में लेकर गए। कैसे किए, सबसे पहले कौन चल रहे थे, संत और ब्राह्मण। पहले संत ब्राह्मण चल रहे थे, मतलब उसको पीछे कौन चल रहे थे, जितने कृष्ण की गैया बछड़े वो भी परिक्रमा लगा, मतलब उसको पीछे कौन चल रहे थे, मतलब उसको पीछे चल रहे थे श्री नंद बाबा और जितने ब्रजवासी पुरुष लोग। और सबसे पीछे कौन चल रही थी, बोले सबसे पीछे जितने गोपियां थी सबके सब पीछे। और सबसे पीछे कौन थी, बोले राधा रानी, सबसे पीछे श्री राधा जी थी। सबके सब गिरिराज जी परिक्रमा कर रहे थे, करते करते इतने में जब थोड़ी दूर परिक्रमा गई, राधा रानी सोच रही है क्या श्याम सुंदर थोड़ी सी मेरे को स्पर्श करेंगे, अगर वो सचमुच से अगर वो मेरे प्रियतम हो तो मैं तभी समझूंगा जब मेरे मन की बात समझे कृष्ण, कृष्ण क्या मेरे को थोड़ा स्पर्श करेंगे। अब राधा जी के मन की भावना कृष्ण समझ गए, क्यों वो तो दो नहीं, वो तो एक ही है, केवल लीला करने के लिए राधा कृष्ण दो हुए। अभी कृष्ण सोच रहे राधा जी की इच्छा है कृष्ण थोड़ी सी मेरे को स्पर्श करे, स्पर्श कैसे करे। अभी राधा रानी तो सबसे पीछे और मैं तो बीच में हूं। इतने में कृष्ण ने क्या किया कि बछड़े को लेकर के पीछे करके उसको पूछ को ऐड दिया। जब जोर से ऐड दिया वो बछड़ा फुदकते हुए एकदम पीछे भाग गया और कृष्ण ने वो बछड़े को निमित्त बना करके कृष्ण सबसे पीछे गए और राधा रानी तो सबसे पीछे थी और कृष्ण राधा जी को स्पर्श कर दिया। और कृष्ण का हाथ स्पर्श पा करके राधा रानी को तो रोम रोम खिल उठा, प्रेम में राधा रानी गदगद हो गई। राधा रानी बोले श्याम सुंदर मेरी इच्छा पूरी कर। फिर परिक्रमा हुई, जब परिक्रमा हुई अभी राधा रानी को कृष्ण को दर्शन करने की इच्छा हो रही है, बोले श्याम सुंदर क्या मेरे को थोड़ी दर्शन देंगे, इनका दर्शन मिलेगा। अभी राधा जी का मन की बात कृष्ण समझ गए, बोले कैसे दर्शन दो, हजार हजार लोग चल रहे हैं, राधा रानी पीछे पे तो बीच में। इतने में कृष्ण ने बहादुर दिखा तो ये अपना जो गैया चेहरा जो लकुटी था ना लकुटी, उसको उड़ने इसे ऊपर में फेंगे, फेंक करके कृष्ण एकदम छलांग लगाते हुए उन्हें लठिया को पकड़ने गए। जब छलांग लगाए अभी राधा रानी पीछे कृष्ण बीच में, अभी कृष्ण का दो आंख और राधा रानी का दो आंख मिलकर के एक हो गया। राधा रानी कृष्ण दोनों को दर्शन कर ली। ऐसे ही आनंद पूर्वक को जितने ब्रजवासी थे ये सब के सब श्री गिरिराज गोवर्धन के उन्होंने परिक्रमा लगाए और परिक्रमा लगा करके सब के सब ब्रजवासी आए। इसलिए आज का दिन वही दिन है जो कृष्ण ब्रजवासियों को साथ में उन्होंने गिरिराज की परिक्रमा लगाई। इसलिए हम लोग बड़ी सौभाग्यवान हैं, वही स्थान में आज हम लोग हैं जो कि साक्षात रूप में गिरिराज दर्शन की, गिरिराज की पूजा की,
गिरिराज की प्रसाद हम लोग ने पाए, समझो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है, हम लोग साधारण भाग्य नहीं। इसलिए गुरुदेव कभी कभी कहते थे, अभी तुम तुम्हारी सौभाग्य को समझ नहीं रहे हो, कितने सौभाग्यवान जो गिरिराज की तलहटी में बैठे करके श्री गिरिराज की पूजा कर रहे हो, और जो ये स्थान है हमारे बड़े गुरु जी की भजन स्थल, यहीं पर ही हमारे बड़े गुरु जी यहीं पर उन्होंने भजन करते थे। पहले यहाँ पानी पानी था, दो मंजिल के मकान थी, इसको ऊपर ही गुरु जी रहते थे, चार तरफ में पानी रहता था, कभी थोड़ी सी खिचड़ी बना करके खा लेते थे, नहीं तो कभी ब्रजवासियों को घर से माधुकरी लेकर के गुरुदेव रोज गिरिराज परिक्रमा करते थे, और रोज दो दो लाख हरिनाम करते थे, दो दो लाख गुरुदेव हरिनाम करते। इसलिए आज हम बड़े भाग्यवान जो यहाँ बैठ कर हम कथा सुन रहे, ठीक है ना। बोले गिरिराज महाराज की जय, ऐसे गिरिराज बाबा की जय। हमारे यहाँ प्रभु जी एक है, ये थोड़ी सी आपको गिरिराज के तत्व के ऊपर में है, ये कुछ आप कथा सुनाएंगे। ये लोग बड़ी सेवा करते हैं, ये भैया तो दो भैया ये है ना, ये दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन जितना पैसा मिलता है शादी नहीं किए, जितने पैसा मिलता है कहीं गौशाला में, कई संतों की सेवा में, यहाँ पर जो पानी एक एक रुपया में एक एक लीटर दे रहे हैं, कभी इन लोगों ने अपने हाथों से पैसा खर्चा करके सब लोगों को अच्छी पानी मिले, तभी तो किसी खराब नहीं हो। इसलिए एक एक रुपया करके एक एक किलो का तो पैसा लगता है, वो फ्री में देना चाहते हैं, लेकिन अगर फ्री में देंगे ना फिर तो कोई दिन भर बंद नहीं करके, दिन भर पानी लेकर के फिर तो उल्टा पुल्टा व्यवहार करके, तो फ्री में देना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा तो फ्री में मत दो, फिर इसको लेकर कपड़ा धोएंगे तो पानी कपड़ा धोएंगे, इसलिए फ्री में नहीं, कम से कम एक एक रुपया लो, एक एक रुपया लो, और जो पैसा अपने हाथ से दो, पानी को जीवन बताया ना, पानी जीवन है, इसलिए पानी देखना, जो पानी पी लो ना, जो पानी पी लो तृप्ति हो जाते हैं ना, पानी पीने पर प्यास लग रहा है, अगर पानी पी लो जीवन मन तृप्त हो जाता है, पानी नहीं, ये पानी का एक नाम जीवन है, इसलिए समझो सबको जीवन दे रहे हैं। अब ये दोनों वृंदावन में बास करते हैं, भजन करते हैं, हरिनाम करते हैं, सारे श्लोक बड़ी सुंदर हरि कथा सुनाते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी काम नहीं कर रहे, काम भी कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर दोनों वृंदावन में बैठे करके वहीं पर काम करते हैं और भजन करते हैं, साधु गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। ओम ज्ञान दिव्यराधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म त्रिलोक विष्णु विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मेरी दीक्षा गुरु पाद पद्म श्री श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज मेरी शिक्षा गुरु श्री पाद पद्म श्री प्रभु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरण कमलों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। हम लोग पिछले तीन चार दिनों से श्री गिरिराज गोवर्धन में हमें वास गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है और गिरिराज जी की महिमा हमको श्रवण करने का मौका मिल रहा है। तो गिरिराज जी के दो स्वरूप बताए जा रहे हैं। गुरुदेव बताते थे कि गिरिराज जी एक तो स्वयं भगवत स्वरूप है, क्योंकि कौन है श्री स्वयं, कृष्ण ही है, कृष्ण से अभिन्न है। तो एक तो ये स्वयं क्या है, भगवत स्वरूप है, और दूसरे क्या है, ये भक्त स्वरूप है। जिस प्रकार बलदेव प्रभु क्या है, भगवान से अभिन्न तत्व है, बलदेव प्रभु में और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, परंतु बलदेव प्रभु हमारे लिए क्या है, भगवत तत्व है। हम क्या मानते हैं, बलदेव प्रभु को साक्षात वो भगवान ही है, परंतु बलदेव प्रभु का जो अपना अभिमान है कृष्ण के प्रति, वो क्या रहता है, दास अभिमान, कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। इसलिए तो बलदेव प्रभु कितनी तरह से भगवान की सेवा करते हैं, कहते हैं छत्र पादुका वसंत की भगवान का छत्र बन जाते हैं, भगवान की शैया बन जाते हैं शेषनाग के रूप में, और भगवान की पादुका बन जाते हैं, भगवान के वस्त्र बन जाते हैं पीताम्बर इत्यादि, लकुटी इत्यादि, जितने भी भगवान के उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं भगवान की क्रीड़ाओं के लिए, जो भगवान का धाम है पूरा ब्रज वृंदावन धाम क्या है, साक्षात श्री बलदेव प्रभु का ही स्वरूप है। तो बलदेव प्रभु क्या करते हैं, इस तरह बहुत सारी
सेवाएं करते हैं और अभिमान क्या रखते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। उसी प्रकार जो श्री गिरिराज गोवर्धन है, इनके अंदर भी जो अभिमान रहता है, यद्यपि ये स्वयं भगवत तत्व है, परंतु इनके अंदर भी हमेशा यही अभिमान रहता है कि मैं क्या हूँ, भगवान कृष्ण का दास हूँ। इसलिए ये भी बहुत प्रकार से जो है भगवान की सेवा करते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि हम लोग भारतवर्ष तो देखा जाए तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, सभी स्थानों में जहां भी जाओ बहुत सारे पुण्य तीर्थ मिलेंगे, पुण्य धाम मिलेंगे, बहुत सारे पुण्य पर्वत मिलेंगे। तो कहते हैं केवल गिरिराज गोवर्धन या ब्रजधाम की ही उपासना हम क्यों करते हैं? कहते जैसे सत्ययुग में क्या था, सत्ययुग में नर नारायण ऋषि ने जो है तपस्या की थी बद्रीनाथ में, तो वहां पर नर नारायण पर्वत है। फिर कहते त्रेता युग आया, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहां पर वास किया था, 11.5 वर्ष कामतगिरी पर्वत पर। और उसके बाद श्री कृष्णचंद्र आए द्वापर युग में और भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर बहुत सारी लीलाएं की। तो कह रहे हैं कि इन सब में हम लोग विशेष रूप से गिरिराज गोवर्धन की इतनी उपासना क्यों करते हैं? कहते हैं नर नारायण पर्वत है, नर नारायण पर्वत तो सत्ययुग में प्रकट हुआ और वो तो केवल मात्र वहां पर नर और नारायण ऋषि ने वहां पर तपस्या की, इसके अतिरिक्त वहां पर भगवान की और कोई भी लीलाएं नहीं है। या फिर वहां पर भागवत कथा भी हुई, सनकादिक ऋषि ने वहां पर भागवत कथा की और वेद व्यास ने वहां पर भागवत की रचना भी की। और उसके बाद जो कामतगिरी पर्वत है द्वापर युग त्रेता युग में, कामतगिरी पर्वत ने भी भगवान की बहुत तरह से सेवा की, भगवान वहां पर 11.5 वर्ष तक रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि अगर रहना है तो कहां पर रहो, अगर पूरी रुचे तो रहो अयोध्या, वन रुचे तो रहो दंडक वन, गिरी कामत अविनाशी। कि अगर आप रहना चाहते हो तो अयोध्या धाम में रहो, अगर आप किसी वन में रहना चाहते हो तो क्या दंडक वन में रहो, जहां पर भगवान श्री राम और सीता, श्री रामचंद्र जी रहे, लक्ष्मण जी रहे और सीता जी रही। फिर कहते हैं कि अगर आपको बसना है तो कहां, अगर कोई पर्वत के किनारे आप बसना चाहते हो, पर्वत की तलहटी में, तो कहां बसो, गिरी कामत अविनाशी, कामतगिरी की पर्वत की तलहटी में बसो जाकर के। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है, कामत, कामत अर्थात जो सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो फिर एक संत कहते हैं श्री नंददास जी ने, उन्होंने कहा कि पूरी रुचे तो बसो मधुपुरी मथुरा, और अगर आपको वन रुचे तो बसो वृंदावन, और गिरी रुचे तो बसो गिरिराज गोवर्धन। तो कहते हैं अगर तुम्हें भाई कोई नगर में रहना है तो कहाँ रहो, कहते हैं मधुपुरी में रहो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और कहते हैं अगर कोई वन रुचे तो कहाँ रहो, वृंदावन जहाँ पर भगवान की बहुत मधुर मधुर लीलाएं हुई। और अगर गिरी रुचे तो कहाँ रहो, श्री गिरिराज गोवर्धन में रहो। तो कहते हैं इस प्रकार सभी तीर्थ स्थानों की बहुत महिमा है, परंतु जो गिरिराज गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन सभी प्रकार के रसों में भगवान की जो है सेवा करते हैं, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे सख्य रस हो, चाहे वो मधुर रस हो। सख्य रस की उस दिन पूजा शांति महाराज जी बता रहे थे वहां कथा में, जो हरिदेव मंदिर में, कि 12 के 12 रस जो है, यद्यपि बोला गया कि जो जब भगवान यज्ञशाला मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तो वहां पर 12 के 12 रस प्रकट हुए, परंतु गिरिराज गोवर्धन की लीला में जब भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया उस समय भी 12 के 12 रस प्रकट हुए। तो इस प्रकार सख्य रस की जितनी भी लीलाएं हैं, कितनी सारी लीलाएं उनके सख्य रस की यहीं पर होती हैं। और वेणु गीत में जैसे श्री महाराज जी कल बता रहे थे कि पानी सुव्यवस्थ कंदर कंद मूले, कि ये जो गिरिराज गोवर्धन क्या करते हैं, कहते बड़े ही सुंदर सुंदर झरनों को प्रकट कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, जहाँ पर गौ जो गाय है वो जाकर के उस मीठे जल का पान करती है, सखा लोग छाट लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसके बाद जब उनको प्यास लगती है तो वो उन झरनों में जाकर के मीठा मीठा पानी पीते हैं। फिर कह रहे हैं कि जब अगर कभी वृष्टि हो जाए तो कहते ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये बहुत सारी गुफाओं को प्रकट कर देते हैं, कंदराओं को, जिन कंदराओं में पूरी की पूरी जो कृष्ण की 9 लाख गायें और जितने भी सखाएं हैं उतनी उनकी कितनी कितनी गायें होंगी, तो उन गिरिराज गोवर्धन के कंदराओं में सभी गायें प्रवेश कर सकती हैं और सभी सखा भी प्रवेश कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गुफाओं को भगवान गिरिराज गोवर्धन प्रकट कर देते हैं भगवान की सेवा के लिए। अभी भी अगर हम जाएं तो अनोर से जब हम जाते हैं उसी का लोटा गोविंद कुंड से आगे, तो वहां पर आज भी गुफाएं देखने को मिलती है, इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं गिरिराज गोवर्धन में।
तो कहते हैं इस प्रकार और कंद मूले ही, कहते हैं कितने ही प्रकार के फल फूल एक ही वृक्ष पर, एक महाराज जी बता रहे थे ना कि ये प्रस्थान कैसा है कि यहाँ पर एक ही वृक्ष पर बहुत सारे फूल उगते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में इतने सारे वृक्ष, उनमें सभी तरह के फूल भगवान की सेवा के लिए, कुसुम सरोवर में कुसुम पुष्प और भी चमेली इत्यादि के सभी प्रकार के पुष्प यहाँ पर खिलते हैं। और गिरिराज गोवर्धन क्या करते हैं, कहते इतने सारे सुंदर सुंदर स्थानों का निर्माण कर देते हैं। जैसे हम लोग जब छोटी परिक्रमा में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे स्थान आते हैं, जैसे एक रतन वेदी आती है, वहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी के लिए एक रत्नों का सिंहासन प्रकट कर देते हैं, वहां पर राधा और कृष्ण बैठ करके लीलाएं करते हैं। कहते हैं और क्या है, कहते एक स्थान आएगा श्याम धाक, और श्याम धाक स्थान में क्या है, कहते वहां पर जब सभी सखा वहां पर बैठ करके पूजन करते हैं तो वहां पर जो वृक्ष है और वृक्ष से ऐसे पत्ते निकलते हैं, वो पत्ते क्या होते हैं, दोने की तरह होते हैं, और उसमें वो बड़े ही अच्छे ढंग से वो वहां पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उसके बाद कहते हैं ग्वाल पोखरा, वहां पर क्या है, वहां पर एक बड़ा ही सुंदर कुंड है जिसमें श्री कृष्ण क्या करते हैं, जल विहार करते हैं अपने सखाओं के साथ। और कह रहे हैं मानसी कुंडा है, गोविंद कुंड है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड में गिरिराज गोवर्धन क्या करते हैं, राधा कुंड में आठ प्रकार के सखियों के जो कुंज है उनको प्रकट कर देते हैं, और इधर श्याम कुंड में आठ प्रकार के सखाओं के कुंज को निर्माण कर देते हैं, और उन सब कुंजों की अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना रंग है उसका। तो इस तरह से बहुत प्रकार से जो गिरिराज गोवर्धन है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और मधुर रस की तो यहाँ पर कितनी ही लीलाएं होती हैं, श्री राधा जी के साथ और सखियों के साथ दान घाटी में दान लीला होती है, राधा कुंड और श्याम कुंड पर कुंज विहार करते हैं भगवान। तो इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन जो है सभी प्रकार से सभी रसों में जो है भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करते हैं। और गिरिराज गोवर्धन को क्या बोलते हैं हम, सर्व अभीष्ट प्रदाता, कि ये गिरिराज गोवर्धन क्या है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और कहते हैं और विशेष बात क्या है कि गिरिराज गोवर्धन हमें शुद्ध प्रेम में ब्रज भक्ति दे सकते हैं। कहते जो कामतगिरी पर्वत है वो श्री रामचंद्र जी की भक्ति हमें प्रदान कर सकते हैं, परंतु जो श्री गिरिराज गोवर्धन है ये क्या, साक्षात जिसको बोला गया पूर्ण ब्रह्म सनातन, कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, पूर्ण ब्रह्म है, उन भगवान श्री कृष्ण की जो है हमें साक्षात सेवा प्रदान कर सकते हैं, ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा है। इसलिए हम लोग गिरिराज गोवर्धन को भक्त के रूप में अधिक उनकी उपासना करते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान के भक्त के माध्यम से ही हमें केवल मात्र भक्ति मिल सकती है। भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग क्या है, साधु संग, भगवान के भक्तों का संग। तो हरिदास जी को क्या, गोवर्धन जी को क्या बोला गया, हरिदास वर्य, श्री राधा जी वेणुगीत में स्वयं कह रहे हैं हंताय मति रगला हरिदास वर्य, कि यह जो गिरिराज गोवर्धन है कि यह सभी हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ होने से क्या है, बड़ी सुलभता के साथ हमें और बड़ी आसानी से ये हमें भगवान की भक्ति दे सकते हैं। इसलिए हम हर वर्ष यहाँ पर आते हैं श्री गुरु जी के गुरु वैष्णव के अनुरक्त में गिरिराज गोवर्धन में हमें वास मिलता है, और हम गिरिराज गोवर्धन से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें हर वर्ष इसी तरह परिक्रमा में बुलाते रहे, यहाँ पर वास हमें मिलता रहे, और हम ऐसे ही गुरु वैष्णव के अनुरक्त में इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमाएं करते रहे। वो श्री गिरिराज गोवर्धन हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
ಸಮಾಗತ ಗೌರವ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ವಿಜಯ ಗೌರವ ಪ್ರಮಾಣ.